सवाल पहला है, दिया इन मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसी टू वाटर 4:1 अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ एसी टू वाटर, मतलब एसी का रेशियो बताना है वाटर इन द न्यू मिक्सचर, नए मिक्सचर मतलब जो 25 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है उसमें क्या किया जाता है, जो 25 लीटर का हमारे पास इनिशियल मिक्सचर है प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण कितना है 25 लीटर, ठीक है। और इस 25 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी, मतलब जो एसिड है वो पानी है, कितना है 4:1 के रेशियो में, ये एसिड है ये वाटर है, ठीक है 4:1 के रेशियो में है। और इन्होंने क्या बोला है, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर ये 4:1 में है तो टोटल अगर हम देखें यूनिट में तो कितना हो गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट हमारे हिसाब से टोटल है और सवाल के हिसाब से कितना है 25 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर, अगर 1 यूनिट 5 लीटर है तो यहाँ पे एसिड कितना है पहले से, एसिड बराबर 4 यूनिट बराबर कितना 4×5 बराबर 20 लीटर, और वाटर हमारे पास कितना है, वाटर कितना है 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 5 करोगे 5 बराबर 5 लीटर, तो हमारे पास 20 लीटर एसिड है और 5 लीटर पानी है, और उन्होंने कहा पानी कितना ऐड कर दिया जाए, पानी कितना ऐड कर दिया जाए 3 लीटर, तो 5 लीटर में 3 लीटर ऐड किया 8 और एसिड 20:1 बना, जिसको भी हम सॉल्व करेंगे कितना 4×8 400 से आंसर क्या आ जाएगा 5:2 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है नोट कर लो भैया। समझ में आया क्या, फर्स्ट हो गया आपका, पैर में क्या कर लिया चोट लग गई, भैया नेक्स्ट सवाल नंबर 2, क्या दिया है 24 लीटर के एसिड पानी मिश्रण में एसिड का पानी से अनुपात, एसिड का पानी से मतलब पहले एसिड है और फिर पानी वाटर, ठीक है डब्ल्यू पर क्या होता है वाटर, डब्ल्यू पर एसिड, ठीक। तो एसिड और पानी के मिश्रण में 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में, और टोटल कितना है इनिशियल मिक्सर कितना है 24 लीटर, 24 लीटर, तो हमारे हिसाब से यूनिट में कितना हुआ 8 लीटर, सॉरी 8 यूनिट, ठीक 8 यूनिट बराबर किसके है 1 यूनिट बराबर, तो हमारे पास कितना है एसिड, एसिड कितना हुआ 3×3 और वाटर कितना हुआ 3×5×3 हो गया 9, ये हो गया 15। अब हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें ऐड क्या कर रहे हैं भैया 6 लीटर पानी, पानी बढ़ा दो कितना कितना हो गया 9 अनुपात, किसका अभी सही है ये रेशियो नहीं कट रहा है, 3×3 और 3×7 तो क्या हो जाएगा भैया 3×7। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन भैया समझ में आ रहा सबको, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।
अगला सवाल, 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी निकालो भैया। ये हटाए पहले वाले, क्या कह रहे हैं कि जो इनिशियल मिक्सचर था वो कितना था? इनिशियल माने क्या होता है? प्रारंभिक। इनिशियल क्या होता है? प्रारंभिक। इनिशियल मिक्सचर प्रैक्टिकल भी है या नहीं? फिजिक्स वगैरह के हैं? नहीं किए? प्रैक्टिकल नहीं किया कभी? बीएससी वगैरह नहीं किया आप लोगों ने? हैं? बायो से प्रैक्टिकल नहीं किया? बायो में रीडिंग नहीं आती है क्या? रीडिंग नहीं आती उसमें? इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग है। देखो भैया, 200 लीटर इनिशियल मिक्सचर है, और बोला है कि दूध और पानी का अनुपात इसमें है 17:3। मतलब इसमें जो दूध है वो है कितना? 17 यूनिट, और पानी होगा कितना? 3 यूनिट। ठीक है, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 हो जाता है। मतलब कि कुछ और क्या मिला दिया जाए? पानी। पानी दूध नहीं, दूध कौन ही मिलाता है? 17:3 के अनुपात में है ये पानी है, ये दूध है, इसमें हम क्या मिलाते हैं? कुछ और पानी। मान लो कुछ भी पानी मिला दिया, एक्स मिला दिया, दूध मिलाने के बाद दूध मिला तो भाई दूध मिला दे, ठीक, कुछ दूध मिला दिया और बात क्या हो जाता है? 7:1। तो क्या मिलाया है? दूध। क्या नहीं मिलाया है? तो पानी नहीं मिलाया, तो पानी उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्या उतना है? कितना था पहले? 3 यूनिट। अब क्या है? 1 यूनिट। तो पानी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे, क्योंकि पानी तो चेंज नहीं हुआ, ना निकला ना बढ़ा, तो पानी कितना? 3। अगर ये 3 है तो इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम इधर से 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 21:3। किस अनुपात? 3। तो हमने कितना भैया बढ़ा हमारा? 4 यूनिट बढ़ा है। और हमने मिलाया कुछ था इसमें, मिलाया गया दूध की मात्रा कितनी है? तो पहले जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 200 लीटर। ये कितने यूनिट के बराबर था? 20 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 10। अगर 1 यूनिट बराबर 10 है तो हमने कितना मिलाया है? 4। 4 यूनिट बराबर 40 बराबर दूध तो मिलाया था ना। अगला मिलाया गया दूध की मात्रा कितनी हो गई? मिलाया गया दूध की मात्रा कितनी हो गई? दो सौ दो सौ गुणे 17 इधर क्या करें? उधर सर बांट रहा 200 + 1 = 17 आपके पास 200 लीटर था नहीं सर, ऊपर 7 रुपए हो जाएगा ना, जो अनुपात दिया है नीचे
200 को 17 से गुणा क्यों किया है? ये इसको 17 तो अब ये अनुपात जो है कितना, पहले अनुपात कितना था 17 है, अब ये अनुपात कितना हो रहा है 7:1 है। यहाँ से सॉल्व करो, 17 गुणा क्यों करो, गुणा थोड़ी ना करो, ऐसे लगाओ, बेसिक से मत जाओ इतना। अगला जाओ लास्ट, अगला सवाल देखो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में दूध कुछ मिलाया जाता है, कुछ दूध मिलाया जाता है, जिससे दूध के पानी, दूध से पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है, मतलब जो पहले मिश्रण टोटल था, जैसे इन्होंने रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है, 2:3 टोटल मिश्रण हो गया 5 यूनिट। तो हमें बताना है कि जो दूध बढ़ा है उसकी यूनिट पहले वाली 5 यूनिट का कितना प्रतिशत है। तो भैया निकालो इसको, दूध और पानी का अनुपात है 2:3, दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया है, क्या मिलाया गया, और अब अनुपात क्या हो गया है 2:1। क्या मिलाया गया, दूध, कांस्टेंट क्या है पानी, पानी क्या यहाँ बराबर है नहीं है, तो क्या करेंगे बराबर करेंगे, उधर 3 तो इधर भी 3, 6 इधर 3। तो अगर ये 6 है और पहले कितना था, कितना बढ़ा 4 यूनिट। मिश्रण टोटल कितना था दिया है, नहीं दिया है, प्रारंभिक मिश्रण प्रतिशत बताना है, तो हमें मिश्रण एग्जैक्ट की जरूरत नहीं। कितना बढ़ा है 4 यूनिट, किस पे बढ़ा है पहले वाले, पहले कितना था टोटल 5 यूनिट, तो 4 बढ़ा किस पर 5 पर, फ्रैक्शन बन गए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 = 20 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 80%, 80%, या आप सीधे से देख सकते थे कि 1/5 कितना होता है 20%, 4/5 80%, परसेंटेज वाले पहले दिन में पढ़ाया होगा, परसेंटेज चैप्टर में चला, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिया साथ ही, नोट करते हो क्या लगवाएंगे सवाल को, नोट कर लो। दिख रहा है पीछे से, नहीं दिख रहा है, चमक पड़ा रही, इधर बैठ जाओ, इधर सीट पे, इधर सेकंड सेट बैठ जाता है, बोलो लोग ओके। नेक्स्ट, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में पूरा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया है, सेम वैसा ही सवाल है पहले जैसा है, लगाओ लगाओ परसेंटेज, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4, थोड़ा दूध मिलाया गया है, मान लिया कुछ दूध मिलाया गया हो, जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है, मतलब अब दूध 2 है तो पानी 1 होगा, ठीक है, कांस्टेंट क्या रह रहा है, नियत क्या रह रहा है, जो बदल नहीं रहा है,
वाटर, वाटर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, चार से, तो फोर हो जाए फोर, मतलब पहले अगर मिल्क कितना था, वन था, अब कितना हो गया एट, तो कितना इंक्रीज हुआ, सेवन यूनिट, तो सेवन यूनिट इंक्रीज हुआ, हमें बताना है परसेंटेज, है ना, परसेंटेज बताना है, तो एग्जैक्ट की हमें जरूरत नहीं है एग्जैक्ट डेटा की कि कितने लीटर था या नहीं, कितना बढ़ रहा है, सात, इनिशियल कितना था, चार पाँच, सात बटे पाँच, परसेंटेज मान कितना आएगा भैया, तो पहले जिससे पूछो वही बताएगा, सात बटे पाँच प्रतिशत में मान कितना आएगा, सात बटे पाँच का प्रतिशत में मान, सात बटे पाँच का प्रतिशत में मान, एक सौ चालीस परसेंट है ना, 140% अगर हम इसको सात बटे अगर भाग देते हैं तो क्या है, एक सही दो बटे पांच आएगा, एक का मतलब क्या होता था, एक का मतलब 100% प्लस दो बटे पांच, एक बटे पांच 20 होता है, तो दो बटे पांच 40%, 100% 40% मिलकर क्या देगा, 140%। और इसके सिवाय डेसिमल वाला भी बताया था क्या, सात को पांच से भाग दो, पांच इक्कीस पांच, बचा हमारा दो, डेसिमल लगाया जीरो बढ़ाया, पांच को 20, 1.4 है तो हम इसको 1.40% लिखेंगे, क्योंकि दशमलव दाहिनी तरफ दो अंक खिसक जाता है परसेंटेज में वैल्यू लिखते समय, बताई थी ये बात परसेंटेज में पहले नहीं, वो भी कर सकते हो, ठीक है, सात बटे बेसिक फंडा, सात बटे पांच गुणे 100%, 100 नहीं, सात गुना 10 बराबर कितना होगा, सात गुणे 20% बराबर 140, है ना, परसेंटेज में पहले भी बताया ना, हाँ क्या, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ये भी सीखता हूँ, लेकिन ये चीज बताई है कि नहीं, ये मेथड बताया है, ये बताया है, ये वाला मेथड के साथ ही बताया है, तो उसकी ना शुरुआत शुरुआत भाई इसकी होगी, एक परसेंटेज का यूज सब कहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परसेंटेज और रेशियो हटाए इसको, अगला सवाल भैया देखो, एक डिब्बे में 7:5 के अनुपात में क्या है, पढ़ो, जब 9 लीटर मिश्रण शुष्क हो जाता है और डिब्बे बी से भर जाता है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, शुरुआत में डिब्बे में कितना लीटर का तरीके में हुआ, तो मतलब कि या तो मिश्रण निकल गया या सूख गया, ठीक है, हो सकता है धूप में नहीं पानी जैसे सूखता है, मिश्रण हो सकता है सूख गया या तो मानेंगे हम क्या निकल गया है ना, तो मिश्रण 1:4 है, सात अनुपात पांच के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है, जब 9 लीटर मिश्रण शुष्क हो जाता है और डिब्बा बी से भर जाता है तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, शुरुआत में डिब्बे में कितना लीटर ए था, ये निकालना है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक मेथड लगेगा, अगर मान लो कोई किसी भी अनुपात में कोई दो चीजें है, मान लो 3:4 के अनुपात में मिश्रण है, ठीक है, और इसमें से हम कुछ मिश्रण निकाल लेते हैं, मान लो ये टोटल क्वांटिटी 70 यूनिट थी और इसमें से 30 लीटर हमारा दूध था और 40 लीटर हमारा पानी, और हमने इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया, ठीक है, 20 लीटर निकाल दिया, तो जो 20 लीटर निकला है इस 20 लीटर में भी जो अनुपात होगा, या इसको 3×7 = 14 लीटर निकाल दो, तो इसको एग्जैक्ट करता है, जो 14 लीटर निकला है ये 14 लीटर भी 3:4 रेशियो में ही निकला होगा, है ना, जैसे अगर दूध और पानी एक में मिक्स है तो तुम वो दूध चाहे 10 लोगों में बांटो,
किसी में भी पानी ना बढ़ जाएगा ना दूध बढ़ जाएगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी जिस रेशियो में है सबके पास उसी अनुपात में तो जाएगा, है ना। क्यों? खीर में मेवा वाला हाल, तुम काजू काजू बीन लो खीर में बीन सकते हो, दूध में नहीं। ये तीन अनुपात हॉस्टल वाले बच्चे जानते होंगे, तीन अनुपात चार में यहाँ भी जाएगा। जब तीन अनुपात चार में ही निकलेगा भी तो जो बचेगा वो भी तीन अनुपात चार में ही होगा, ठीक है। मतलब दूध और पानी का अनुपात अगर पूरा मिश्रण निकाला जा रहा है तो बदलेगा नहीं, सेम जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। तो अगर इन्होंने क्या बोला है भैया कि सात अनुपात पांच के अनुपात में था, काहे का अनुपात था, दो तरल थे, एक ए था एक बी था। अगर ये सात अनुपात पांच के अनुपात में थे और हमने इसमें से नौ लीटर निकाल लिया, मतलब माइनस हो गया होगा, है ना। तो जो अनुपात होगा क्या वो बदलेगा? नहीं, क्योंकि हमने मिश्रण निकाला है ना, केवल एक चीज नहीं निकाली हम इसमें, ना ए को निकाले ना बी को, हम दोनों को एक साथ निकाले, समझ रहे हो। तो अनुपात यहाँ पे नहीं बदलेगा, नौ लीटर निकालने के नौ लीटर निकालने या शुष्क होने के बाद अनुपात वही रहेगा, है ना। क्यों वही रहेगा अभी बताया हमने। तो अगर ये सात अनुपात पांच के ही अनुपात में रहेगा, अब आगे सवाल कह रहा है कि बी जो है बी से डिब्बा भर दिया गया, अगर डिब्बा पहले से भरा हुआ था और अब बी से भराया जा रहा है, ये इतना मिश्रण निकल गया है तो अगर भरा जा रहा तो जितना निकाला है उतना ही डाला जाएगा, मतलब अब इसमें क्या किया जा रहा है, नौ लीटर डाला जा रहा है। ये कौन सा है, बी है, कौन सा डाला जा रहा है, बी। और नौ लीटर डालने के बाद अनुपात हो जाता है सात अनुपात नौ, क्या हो जाता है, सात अनुपात नौ। एक चीज देखो इसमें, यहाँ से जब मिश्रण निकाला गया तो पूरा टोटल का निकाला गया, मतलब यहाँ पे अनुपात चेंज नहीं हुआ होगा, तो अनुपात वही बचा। अब जब इसमें मिलाया गया तो कौन सा मिलाया गया, बी, तो अब इसमें कांस्टेंट कौन सा रहा है, ए। अगर ए कांस्टेंट रहा है तो ए जो पहले अनुपात था और बाद का अनुपात था उसमें बराबर होना चाहिए, इत्तेफाक से यहाँ पे बराबर है, अगर नहीं होता तो बराबर कर लेते। तो अगर ये बराबर है तो यहाँ पे कितना था भैया, ये बी पाँच और कितना बढ़ा है, चार। कितना लीटर टोटल बढ़ गया यूनिट में, चार यूनिट। और चार यूनिट की जो बढ़ी है वो कितने बराबर है, नौ लीटर। चार यूनिट बराबर नौ लीटर। अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है टोटल ये यूनिट, सात पाँच बारह। निकालना क्या सवाल में, शुरुआत में डिब्बे में कितना लीटर ए था, ठीक, चार यूनिट अगर नौ पे है तो सात पाँच बारह यहाँ पर एक यूनिट बराबर नौ बढ़े नौ बटे चार और बारह यूनिट बराबर, क्योंकि तो यहाँ कितने सात पाँच बारह, तो बारह यूनिट बराबर बारह बढ़े नौ बटे चार, दिया तीन है तो सत्ताईस लीटर वो क्वांटिटी यहाँ पे हुई, ठीक है। सत्ताईस लीटर ये निकल के आ गई क्वांटिटी, और इसमें नौ लीटर निकालने के बाद ये अनुपात बच रहा था ना, तो नौ लीटर और जोड़ोगे तो यहाँ वाली मात्रा के बराबर आ जाओगे, है कि नहीं। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, बराबर सत्ताईस प्लस नौ बराबर छत्तीस लीटर। अगर ये प्रारंभिक मात्रा थी तो हमें प्रारंभ में बताना क्या है, एक एक था कितना, सात यूनिट, कितने में से, बारह में से। तो प्रारंभ में ए बराबर कितना था, सात था, कितने में से, बारह में से, और था टोटल मिश्रण कितना शुरुआत में, छत्तीस, बारह तीन सात गुण तीन बराबर, तो कितना हुआ इसमें प्रारंभ में, प्रारंभ में इक्कीस। अगर प्रारंभ में ए इक्कीस है तो बी कितना बचा,
अगर प्रारंभ में ए 21 लीटर है तो बी कितना बचा, टोटल कितना था 21 हो गया ए, तो बी कितना बचा 15, ठीक है 15 लीटर क्या होता बी। तो अगर प्रारंभ में बी 15 लीटर था, चलो नोट करो भैया, कोई डाउट हो तो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है अभी जब इसको लगा लोगे और जल्दी लगेगा। समझ में कहीं पे डाउट हो तो दोबारा पूछ लो, एक्सप्लेन कर दो, एक बार फिर समझ लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया भैया, देखो 7:5 के अनुपात में पहले ए और बी मिश्रण एक बर्तन में, ठीक है ए और बी अगर ये मिश्रण 7:5 के अनुपात इसमें ए और बी के है तो इसमें से जब कुछ निकाल लिया गया है ना, 10 लीटर दूध और पानी का मिश्रण हो, उसमें से कुछ निकाल लो तो उसमें दूध और पानी का अनुपात तो बदल नहीं जाएगा जब तक कुछ मिलाओगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इसमें निकाल लिया तो अनुपात क्या रहेगा 7:5 अभी भी है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, इसमें क्या मिला दे रहे हैं बी, ठीक है और बी उतना ही मिलाएंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि डिब्बा पूरा भर गया है, तो जितना निकाला था उतना ही दोबारा जो मिला होगा तब वो भरेगा, क्योंकि डिब्बा पहले भी भरा हुआ था। तो हमने 9 लीटर भी इसमें मिला दिया। अब 9 लीटर मिलाने के बाद सवाल ने बोला है कि अनुपात कितना हो जाता है 7:9। अगर ये 7:9 हो जाता है तो हमारे पास चेंज क्या नहीं हो रहा पूरी इक्वेशन में, ए अगर ए चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखो ए सेम है, अगर ये सेम नहीं आता तो क्या करते इसको बराबर करते, भाई इसको सेम करते, अगर ये 7 बराबर आ जाए तो हम देखेंगे अब यहाँ पे कितना बढ़ा 4 यूनिट, अगर ये 4 यूनिट बढ़ा है और हमने कितना बढ़ाया था 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर ही निकाला था तो 4 यूनिट बराबर 9 लीटर, अगर 4 यूनिट बराबर 9 लीटर के है तो 1 यूनिट बराबर 9/4 लीटर, तो 12 यूनिट कहाँ से हमने निकाली, ये वाला मिक्सर हमारा कितना है 7/5 12 यूनिट, अगर ये 12 यूनिट है तो 12 यूनिट बराबर 12 × 9/4, 4 × 4 4 ×
भारत कृष्ण और मौखी गुणा 27 लीटर वो मिश्रण हुआ जब हमने 9 लीटर निकाल लिया था। अगर ये 27 है, 9 लीटर निकालने के बाद 27 बच रहा है, तो अगर हम पुराने वाले पे प्रारंभिक पे जाएंगे तो ये 9 लीटर इसमें ऐड करेंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36। 36 लीटर मिश्रण पहले था जब वो डिब्बा पूरा भरा हुआ था और उस समय यूनिट में वैल्यू कितनी थी 7, 5, 12 यूनिट, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि ए बताओ कितना था, तो ए 12 में से ए कितना था 7, तो हमने क्या निकाला है ए का मान कितना 7 भाग 12 में से, और टोटल मिश्रण कितना था 36 लीटर, तो 12 × 36 12 × 36 3 × 7 21 लीटर क्या हो गया पहले वाले में ए हो गया, 21 लीटर क्या हो गया ए हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला देखो भैया, एक जार में 4:1 में 2 तरल पदार्थ ए और हाँ 4:3 सॉरी एक जार में 4:1 दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है तो 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और जार में 10 लीटर तरल बी डाला जाता है तो बी को अनुपात 2:3 हो जाता है, जार में कितना लीटर ए शामिल है, पहले जैसा ही सवाल है, ठीक है लगाओ। अगला सवाल भैया कहीं था, सवाल नंबर 7 नंबर सवाल तुमको, उन्होंने कहा कि एक जार में 4:1 के अनुपात में ए और बी दो मिश्रण थे, किस अनुपात में थे ए और बी थे, किस अनुपात में 4:1 के अनुपात में, और इसमें 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 10 लीटर क्या किया क्या अनुपात बदल जाएगा नहीं बदलेगा क्योंकि टोटल मिश्रण से निकाला जा रहा है, है ना। और इसमें अगर 10 लीटर निकाला है और जार में 10 लीटर तरल बी डाल दिया, कौन सा डालते हैं बी, बी कितना डाला 10 लीटर, ठीक। अगर बी 10 लीटर डाला है तो 10 लीटर बी डालने के बाद अनुपात क्या हो जाता है 2:3 तो पूरी इक्वेशन में हमने चेक ही क्या किया बी क्या नहीं चेक हुआ है ए, तो क्या ए हमारा सेम है करेंगे सर, किससे करेंगे इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसमें नहीं है तो इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, पहले 4 था है अब भी 4 सेम हो गया है ना। अब ये कितना बढ़ा है देखो, कितना यूनिट बढ़ा है प्लस 5 यूनिट, हमारे हिसाब से 5 यूनिट बढ़ा और सवाल के हिसाब से कितना बढ़ा है 10 लीटर, तो 5 यूनिट बराबर दस लीटर, 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, अगर 1 यूनिट 2 के बराबर आ जाएगी तो हमें निकालना है क्या भैया, क्या निकालना है प्रारंभ में ए कितना था, तो पहले हम ये वाला तो निकाले, अगर 1 यूनिट बराबर 2 लीटर है तो ये कितनी टोटल यूनिट है 5, तो क्या ये वाली टोटल हो जाएगी कितनी 2 बराबर 10 लीटर, क्यों क्योंकि ये कितनी हो गए 5 यूनिट और 5 × 2 बराबर 10 लीटर, अगर यहाँ पे ये 10 है तो 10 घटाने के बाद 10 लीटर बच रहा है तो पहले कितना होगा 10 लीटर ये वाला प्लस 10 लीटर जो घट गया था कितना हुआ 20 लीटर, तो पहले मिश्रण कितना था 20 लीटर और 20 लीटर में ए और बी का अनुपात कितना था 5 यूनिट,
चार अनुपात पाँच, चार अनुपात ए और बी था इनिशियल मिश्रण में। ए और बी अगर चार अनुपात एक के अनुपात में था मतलब पाँच लीटर बराबर टोटल मिश्रण कितना था पहले 20 लीटर। एक यूनिट बराबर चार लीटर, अगर एक यूनिट बराबर चार लीटर है तो हमें निकालना क्या प्रारंभ में एक कितना था प्रारंभ में चार मिनट, इसलिए प्रारंभ में इनिशियल के बराबर कितना हो जाएगा भैया चार यूनिट गुणे चार बराबर 16 लीटर, कितना हो जाएगा 16 लीटर। अगर प्रारंभ में 16 लीटर ए था तो बी कितना था चार, कितना था बी चार, क्योंकि टोटल कितना था 20 लीटर, 16 लीटर उसमें से ए हो गया तो दूसरा कितना था 4 लीटर। ठीक है, अगला अगला सवाल भैया नोट कर लो क्लास से, कुछ थोड़ा सा टफ लग रहा हाँ नहीं लग रहा ना, घर पे रिवाइज कर लेना। ठीक है, घर पे रिवाइज कर लेना, वरना ये नहीं समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे 10 लिखा तो यहाँ पे 20 क्यों लिखा, समझ रहे हो। अगला भैया सवाल नंबर 8, एक बैलन में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण होता है, लड़के लगा लेते हैं क्या लड़कों को, तो ये सवाल लगा लेना चाहिए। एक बैलन में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण होता है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और पानी द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि बैलन में परिणामी शराब तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अच्छा एक बात, कुछ निकाला जा रहा है और कुछ मिलाया जा रहा है, लेकिन जो मिश्रण की क्वांटिटी है वो तो बराबर ही रहेगी। अगर पहले एक इसमें थी 3:1 मतलब टोटल 4 मिनट थी तो बाद में भी 4 मिनट ही होनी चाहिए, बाद में कितनी होनी चाहिए 4 मिनट ही होनी चाहिए, तो मतलब की क्वांटिटी इक्वल करेंगे तभी सवाल को लगाएंगे। हटाए इसको, चलो लगा दो, कोशिश करो पानी है किसी के पास लगा भैया क्वांटिटी इक्वल करो। हमको जैसे बता रहे हैं वैसे ही लगा, ठीक।
जो इसमें से क्या निकाला गया भैया, देखो कुछ मिश्रण निकाला गया है और मिलाया क्या गया है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए, पानी द्वारा प्रतिस्थापित, तो जो प्रतिस्थापित किया जाए उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 3:1 था और इसमें कुछ मिलाया गया तो अनुपात हो जाता है 1:1। क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है ना, तो हम इसमें किससे गुणा करते हैं, 2 से, तो 4 हो जाएगी, तो इसमें भी 2 से गुणा करनी होगी, तभी तो ये 2-2 मिलके 4 हो जाएगी, ठीक। अनुपात देखो वही है 1:1। अब जो मिलाया जा रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में चेंज देखेंगे क्या हुआ, दूसरे वाले में क्या हुआ है, एक कम हुआ है, एक कम हुआ है, कितने में से, तीन में से, एक कम हुआ है कितने में से, एक कम हुआ है तीन में से, और यदि हमारा अभीष्ट अनुपात का भाव होगा जो चेंज किया गया होगा, ये कौन सा भाग है, पहले मिश्रण का 1/3 भाग निकाल के और उसमें पानी मिला दिया गया है, तो अनुपात, तो कितना मिश्रण निकाला गया था, 1/3 भाग, अगर हम इसको परसेंटेज में बोले तो कितना है, 1/3, ठीक है। अगला सवाल, चलो अगला सवाल देखो भैया, नौ, एक बर्तन में तरल भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है, मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाना चाहिए और उसे पानी से बदलना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी आधा सिरप, आधा पानी आधा सिरप का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर, और बराबर बराबर जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1:1। तो मतलब सवाल कह रहा है कि बाद में कितना हो जाए, 1:1, और पहले कितना था, 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा। अगर हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर पहले 3 था, तो सीरप पहले कितने थी, 5, तो पहले वाटर सीरप का रेशियो ये था और बाद में 1:1 हो जाता है, और क्या मिलाते हैं इसमें, क्या मिलाते हैं, पानी, कुछ पानी मिला देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पानी मिलाया है, इक्वल क्वांटिटी इक्वल रहनी चाहिए, क्वांटिटी का इक्वल है नहीं है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, ऊपर टोटल 8 और नीचे टोटल 2, तो यहाँ भी 8 होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 8 होनी चाहिए तो हम, ये हमारी 8 है क्वांटिटी और यहाँ पर हमारी 2 है, तो हम इसमें किससे गुणा करते हैं, 2 से, कौन सा, 4 से, अगर 4 से इधर कर रहे हैं तो 4 से इधर भी करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, क्या चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, पानी, क्या पानी को लेंगे हम, नहीं ना, जो चेंज नहीं हो रहा था उसे देखते हैं, तो पहले ये 5 था, अब कितना है, 4, कितना कट गया, 1, किस पर, 5 पर, 1/5, मतलब कितना भाग बदला गया, या परसेंटेज में बोले तो 20%, परसेंट बोले तो 20%, उसी वाली सीट जा रहे हो, उसके साइड लास्ट से 2 सवाल रह गए थे, है ना, 3 रह गए, ये वाले करा लेते हैं, फिर वो वाला भी, नोट कर लो ये फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 10।
एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा? बताओ भैया, क्या बता रहे हो आप? 2/7। 2/7 रुपया बोले, बाकी लोग बताओ इसका कितना आ गया है? सेम सवाल है वैसे। सही। तो 2/7 का प्रतिशत में मान। सही, 4/7% या 28.56% है ना। जब रिलेशन बताया था तो यही बताया होगा दशमलव में। क्या करिए, 14.28% 1/7 होता है, 28.56% 2/7, 28, 14 / 42 और इसको भी 3 गुना कर दो साइज का, है ना। इसी तरीके से तो बढ़ता है शिक्षक, इसमें बताया था कि नहीं उस दिन, तो जस्ट इधर का डबल 14 वाले में और 1/7 में होता जाता है। चलो सवाल देखो, एक बीकर है जिसमें कुछ द्रव भरा हुआ, द्रव और द्रव क्या अंतर होता है? ये द्रव पदार्थ और इसी के भाग होते हैं ठोस, द्रव है ना। ये पदार्थ है, पदार्थ की 3 अवस्था, उसमें से एक अवस्था है द्रव, मतलब जो भरा हुआ है होता है लिक्विड है ना, जैसे दूध, पानी, शराब। एक द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी कितना है? 3 है। उसमें औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन है ना, मेडिसिन उसमें कितनी है? 7। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर, मतलब कि कुछ निकाला गया और मिलाया गया क्या? पानी, तो पानी मान लिया, मिलाया गया और मिलाने पर इसका जो परिणामी है वो दोनों ये अनुपात क्या हो जाएंगे? 1:1। क्या अनुपात हो जाएंगे? 1:1। तो भैया देखो, क्या नहीं चेंज कर रहा है? मेडिसिन, पानी तो बदल रहा है, तो मेडिसिन के लिए इसको से हम आंसर निकालेंगे। और वाटर जो बदल रहा है तो बताओ भैया क्या करें, इसमें क्या करें, क्या बराबर करते हैं? हाँ, क्वांटिटी, मात्रा। इसमें कितनी है, यहाँ कितनी है, किससे गुणा करते हैं इसमें? तो कितना 5:5 आ गया ये, मतलब मेडिसिन कितनी चेंज हो रही है? कितनी? 2 अगर चेंज हो रही है तो किस पे? 7 पर। तो जो अनुपात या मिश्रण जो है, मिश्रण से निकाला जाएगा मिश्रण का भाग, वो कितना आएगा? 2/7। कितना भाग बदला गया होगा? 2/7 का। 14 सही 4/7।
नेक्स्ट अगला, एक कंटेनर में 40 लीटर कंसंट्रेटेड सीरप भरी है, ठीक है। इसमें से 4 लीटर निकाला था, 5 तक रख दिया था, यही प्रक्रिया तुम बात है, काफी ज्यादा एग्जाम में करता है सवाल, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सोचते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कहा कि आपके पास कुछ पैसा था, मान लो आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने उस 10,000 का 1/10 भाग पहले किसी को दे दिया, तो 1,000 का अगर 1/10 की बात की जाए तो कितना निकल गया, हाँ कितना 1/10 हुआ इसका, 100 निकल गया, तो कितना बचा, 900 बचा। अब हम कहें कि अगली बार फिर आपने किसी को 1/10 दिया और ऐसा आप 3 बार या 4 बार करते हैं, तो जो आपके पास बच रहा उसी में से तो 1/10 दोगे, है ना, जो बच रहा है उसी में से तो 1/10 दोगे। क्या बोला है, कंटेनर में 40 लीटर क्या था, मिश्रण भर गया, ठीक है, और 4 लीटर निकाला गया, तो अगर 4 लीटर निकाला गया 40 में से तो कितना निकाला गया, 1/10, 1/10 मतलब 10 था तो 1 निकाल गया, तो बचा कितना, 9। अगर ये निकाला है तो शेष कितना बचा, 9, और कितने का, 10 का, है ना, 10 रुपए के आपके पास 1 रुपए किसी को दे दिया तो बचे 9 रुपए, कितने में से 10 में, तो 9/10 भाग अभी बचा हुआ है आपके पास। और ऐसा ये कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार दोहराई जाती है ये प्रक्रिया, 3 बार दोहराई जाती है, मतलब उसने पहली बार इस प्रक्रिया को किया है और फिर आगे 3 बार और किया है, ठीक है, 3 बार और किया, तो टोटल कितनी बार, 4। और बताना है परसेंटेज में वैल्यू, तो माना पहले जो मिश्रण था वो 100% रहा होगा, है ना, पहले अगर 100% था तो उसने पहले 9/10 बताया, क्यों, क्योंकि 1/10 निकाल दिया, फिर कितना निकाला, 9/10 बताया क्योंकि 1/10 निकाल दिया, और ऐसा उसने टोटल 4 बार किया है, क्योंकि पहली बार किया और 3 बार और किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 9/10 4 बार, 100% निकालते वैल्यू, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक बचे का ऊपर कितना, 9 × 9 × 9 × 9 × 10 और परसेंटेज, ठीक है, जब इसकी गुणा करो तो ये 81 हो गए, 81 × 81/100, 81 और 81 की गुणा कितनी होगी भैया बताओ, समस्या बड़ी हो तो तोड़ लो, बताया था समस्या बड़ी हो तो तोड़ लो, कितना आएगा 81 का, 81 को 81 को क्या लिखें, 80 + 1, और दूसरे को क्या लिखें, हाँ कितना आएगा, 80 की गुणा अगर इससे करते हो तो कितना देगा, 0, 8, 64 और प्लस ये वाला 81 देगा, 1 हो जाएगा 8, 8, 16, 80 लगा 1, 4, 5, 65, 61 देगा, 65 अगर ये देगा तो 65 × 61/100 ये क्या होगा, परसेंट, ये अगर 100 है नीचे तो 0 है ऊपर क्या होगा, दशमलव तो अंक पे इसका रुपये 0 कट जाएंगे और ऊपर आ जाएगा 65.61%। निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है।
ठीक है, या तो कितनी बार दोहराएंगे, दो बार। अंतिम मिश्रण में ऊर्जा प्रतिशत क्या होगा? हाँ, ये हमने ये देखा कि 40 लीटर हमारे पास मिश्रण था और 4 लीटर उसमें से निकाल रहे हैं, है ना। 4 लीटर निकाला कितने में से? 40 में से। तो ये 4 निकाला 40 में से, तो कौन सा हिस्सा? 1/10, मतलब 1/10 अगर निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा? 10 थे उसमें से 1 निकाल लिया, कितना बचा? 9। और कितने में से? 10 में से। 1/10 अगर निकल जाता है तो 9/10 बचता, और 9/10 बार बार बच रहा है, कितनी बार? 4 बार रखा हुआ है, एक बार पहले और एक बार एक्स्ट्रा हुआ है। वाटरप्रूफ है, बैग बैग वाटरप्रूफ है, भाई बताओ कहाँ जा रहे कुछ भी नहीं है, केवल इन्होंने पहले अनुपात दे दिया, क्या दे दिया? तो अब हम उस अनुपात को भी यूज करेंगे जो हम 100% वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। वो टोटल मिश्रण की थी, अब इन्होंने कह दिया है कि जो 100 लीटर है उसमें 2:3 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, मिश्रण में 10 लीटर निकाल दिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया देखो, पहले वाले में भी था कि बदल दिया जाता, बदल देने में मतलब जितना निकाला उतना डाल दिया, इसमें भी बदल दिया ही जाता है, जितना निकाला जा रहा उतना डाल दिया जाता, बस इसमें अनुपात दे दिया। पहले वाली 100% थी, अब इन्होंने कहा है कि तो दूध डाले सकती है तो 2 बार दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध डाल सकता था, पहले टोटल मिश्रण कितना बचा है बताना था, अब ये बताना है कि जो मिश्रण उसमें दूध कितना बचा हुआ, ठीक है। अगर हमें दूध बताना है तो शुरुआत से ही हम दूध को ही लेके चले। अगर कोई मिश्रण है कोई भी चीज हो खुद में, इनिशियल टाइम पे वो 100% खुद में होती है ना, बताएगा परसेंटेज में पहले से। अगर ये 100% थी और इसमें से 2:3 के अनुपात में दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है 2:3 में, मतलब 2:3 का मतलब अगर ये 20 है तो ये 30 होगा, है ना। लेकिन ये अभी कितना 20-30-50 और ये 100 होगा, मतलब ये अगर 60 है तो ये 40, तो मिल्क कितना है 40 और वाटर कितना है 60, मिल्क कितना है 40 और वाटर कितना है 80। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया गया, कितना निकाला गया 10, कितना गया टोटल 100 लीटर था, 100 लीटर से 10 निकाला गया, कितना निकाला गया मतलब 1/10 को बचा कितना 9/10, मतलब 9/10 बार बार बच रहा है, 9/10 बार बार बच रहा है। इसमें डाला क्या जा रहा है? दूध, है ना, डाला क्या जा रहा है? दूध। तो कॉन्टेंट तो रहेगा, उसकी वैल्यू लेंगे हम। देखो 60% वाटर वाले को लेंगे क्योंकि यही बार बार कॉन्स्टेंट रह रहा है। 60% अगर ये था तो हमने इसमें कितना बचाया हुआ है हर बार?
9/10। और ऐसा कितनी बार किया है? एक बार पहले और दो बार बाद में, तो कितना हो गया? 3 बार। 8 से 3 कट गया, 2 से काटना था काट लो या सीधे सीधे गुणा करो, गुणा करो हो जाएगा कितना? 9 9 9 9 10 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
9981 729/100 729/100 छः की गुणा अगर 729 से करते हो तो कितना हो जाएगा, छः की गुणा 729 से करो कितना हो जाएगा, हाँ छः की गुणा 729 से करो कितना हो जाएगा, तैतालीस चौहत्तर। अगर ये 43/74 आएगी वैल्यू तो कितना हो जाएगा भैया, परसेंट में कर दिया हो जाएगा 43.74%। अगर ये 43.74% जो है पानी है, क्या निकला ये, हमने क्या लिया जो कॉन्स्टेंट लगाया था उसी को लिया। अगर 43.74% पानी है तो लास्ट में हमें बचाना बताना क्या है, दूध, क्या बताना है, दूध। अच्छा दूध बराबर 100% से क्या लगा दें, 43.74% घटा हो गया, 43.74% घटाना बताया था, इसको 43.74 की जगह क्या घटा लो 44%। अगर 44% घटाते हो 100 से तो बचेगा 56, लेकिन एक्स्ट्रा घटाया था कितना हमने 0.26, तो वो इसको मिलेगा एक्स्ट्रा वाला तो कितना हो जाएगा 56.26%, 56.26%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। नेक्स्ट सवाल ये बात बना लेते हैं और बाकी के सवाल अपने आप लगा कर जवाब सेम ऐसे ही, ठीक है। एक सवाल ये बताते हैं, ये जो सवाल बताए हैं लास्ट में ये तो हम फंस जाएंगे तो ज़्यादा लोग फोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन है कुछ भी नहीं सवाल तो उसको ध्यान रखना चाहिए, फिर ज़्यादातर लोग फोड़ देते हैं। ठीक, अगला मुक्त लिया जो 75 लीटर पहले मिश्रण है उसमें दूध का पानी का अनुपात कितना है 11:6, मतलब टोटल 17 था तो उसमें दूध कितना हुआ 11 लीटर, 11 दूध है, 17 टोटल मिश्रण था। आगे बोला है कि मिश्रण 15 लीटर मिश्रण निकाल था, तो मिश्रण था कितना पहले 75 लीटर, इससे 15 निकाला तो बचा कितना 60 लीटर, मतलब 60 लीटर को बचा है 15 लीटर, फिर उसमें 20 लीटर और मिलाया, बस जोड़ना घटाना यही मैं बोलती हूँ, ऊपर घटाना नीचे जोड़ना, दूध और पानी का लास्ट बात बताना, और जो भी इसमें निकल के आएगा, जैसे अगर हमने लिया 11:6, 17:6, 7:6, 6:6 में था, ये था मिल्क, ये था वाटर, दूध और पानी का एक अनुपात लिया है
दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। तो अगर ये 11 था, ये 17 था, 6 था, तो टोटल कितना हो गया? 17। 17 में अगर दूध कितना है? 11। तो 11/17 अगर लिखे तो ये दूध हुआ ऊपर वाला दूध, नीचे वाला टोटल पानी का टोटल। तो ये तो हम मिश्रण जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं? मिल्क और टोटल। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो मिल्क और टोटल का ही निकल जाएगा। और बाद में अगर हमें मिल्क रेशियो वाटर बताना है तो यहाँ पे तो मिल्क वाला रख दोगे और यहाँ पे टोटल माइनस मिल्क बराबर वाटर होगा, ठीक है। और अगर वाटर मिल्क का बताना है तो हम इसी चीज को रख देंगे, ठीक। तो हम अभी क्या निकालेंगे रेशियो मिल्क और टोटल का। टोटल हमारे पास 17 था, उसमें से 11 मिल्क है और टोटल हमारे पास था कितना पहले इनिशियल में 75 लीटर। और इस 75 लीटर से कितना निकाला गया है? 15। उस 15 को घटाने के बाद कितना बचा? 60। अब कितना मिलाया गया? 20। को 60 में 20 मिला, फिर कहा है कि फिर निकाला, कितना निकाला? 10 लीटर फिर निकाला, 80 से 10 गया, फिर कितना ज्यादा है? 40 लीटर पानी मिला है, 40 को जोड़ोगे 110। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 11 से 11, ठीक। कुछ और कटेगा, 2 + 6 = 8, बचा हुआ कितना? 3 × 7, नीचे बचा 17 × 4, बराबर 7 × 21 और 17 चक्कू बाकी लोग को रहेगा, ठीक है। 17 चक्कू 17 पहुंचा, 17 पहुंचा, तो ये जो रेशियो आया है ये मिल्क का टोटल का आया, मतलब अगर मिल्क 21 था तो टोटल कितना था? 68 लीटर। अगर इसमें मिल्क 21 यूनिट था तो टोटल था 68 लीटर। और हमें रेशियो किसका बताना है? दूध और पानी का अनुपात। अभी अनुपात बराबर क्या होगा भैया? अभी मतलब जो हमें चाहिए इसका दूध और मिल्क और वाटर, ठीक है, इसका रेशियो। अगर मिल्क 21 है और टोटल 68 है तो इस 68 से अगर मिल्क घटा दें तो वाटर बचेगा। तो अगर ये मिल्क 21 है तो वाटर हमारा कितना होगा? 8 × 7 = 1 और 21/47 = 47, कितना हो जाएगा? 21/47 ऑप्शन नंबर ए। आगे वाले तीन सवाल सेम ऐसे ही हैं, लगा के लाओगे, ठीक। अगर नहीं लगेंगे तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा लेंगे। जो पिछली सीरीज थी जो उसके तीन सवाल बैठ गए थे, ठीक है, उसमें टाइम हो गया था, वो तीन सवालों में अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। उसमें लाओ वाली सीट कहें,